नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा और मेरे किए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसलिए आप प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अभी मैं प्रश्नावली 4 क्षेत्रमिति में पहुंची हूँ, अध्याय 15 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 4। आज मैं इसके 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगी, क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो गोले की त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र लिखना है हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² 4πr का वर्ग। अब हम इसमें मान रख देंगे 4π का मान 22/7, r का मान 21 इसका वर्ग में 21 × 21। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 4 5 5 4 4 सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। 5544 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं क्वेश्चन 2 सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन 2 है, एक गोले का व्यास, ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ग्लोब मींस क्या होगा, एक गोला ही होगा। ग्लोब मींस गोला। एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। हमको मालूम है इन सभी क्वेश्चन में हमको व्यास की जरूरत नहीं पड़ती, त्रिज्या की जरूरत पड़ती। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या व्यास बटे 2 मतलब 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr का वर्ग। 4πr का मान 7 × 7 ये कितना हो गया, 7 × 49 और 49 को 9 × 36 की 6 × 3 × 4 × 16 × 17 × 18 196π वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आप चाहे तो पाई का मान रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं रखेंगे तो भी कोई मिस्टेक नहीं है। पाई का मान रखेंगे तो यहाँ 22/7 रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, तो 154 इसके नीचे लिख दिया और इनके मान रख लेंगे हम लोग 4 × π का मान 22/7 × r निकालना है हमको r का वर्ग। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, 154 × 7/22 और 4 नीचे आ जाएंगे, 7 ऊपर चला जाएगा। चार से मिल जाएगा ये 11 × 22
ग्यारह पंद ग्यारह, ग्यारह चौक चौवालीस, फिर दो दुनी चार, दो सत्य चौदह, ये हो गया सात गुणे सात बटे दो बटे दो, तो सात उनचास बटे चार। आर का मान आया उनचास बटे चार। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर हो जाएगा आर बराबर करनी उनचास बटे चार, मतलब आर बराबर हो गया उनचास का करनी सात और चार का करनी दो। आर का मान सात बटे दो, हमको क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास बराबर सात बटे दो गुणित दो, मतलब सात सेंटीमीटर व्यास आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चन चौथा सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या तीन सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या तीन सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन का सूत्र होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब, चार बटे तीन पाई आर की घात तीन, मतलब चार बटे तीन पाई आर का मान हम रखेंगे तीन गुणे तीन गुणे तीन, इसको इसको काट दीजिए, ये कितना हुआ चार के बारह, बारह गुणे चौबीस, बार के छत्तीस, छत्तीस पाई घन सेंटीमीटर। आयतन को हम हमेशा घन सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं। ये हो गए चारों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहें। थैंक यू।